गरीब माँ के गर्भ से जन्मी 9 बेटियां। एक बार की बात है, किसी गांव में राधा नाम की एक गरीब औरत अपने शराबी पति कमलकांत के साथ रहती थी। कमलकांत कोई काम नहीं करता था, बस वो सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत रहता था। इसलिए घर चलाने के लिए राधा लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। फिर कुछ समय बाद राधा गर्भवती हो जाती है। सुनिए जी, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं गर्भवती हूँ और साथ ही उसने कहा है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं लोगों के घरों में काम करने नहीं जाऊंगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तू काम छोड़ने की बात कर रही है? अगर तू काम पर नहीं जाएगी तो मुझे शराब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, तुझे काम पर तो जाना ही पड़ेगा। देखिए ऐसा मत कहिए, कम से कम इस समय तो मुझ पर दया करिए। लेकिन कमलकांत राधा को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मैं और बहस नहीं करना चाहता, चल सीधी तरह काम पर जा। उसके बाद मजबूर होकर राधा काम पर चली जाती है। लेकिन गर्भवती होने की वजह से उसे काम करने में बड़ी तकलीफ होने लगती है। अरे नालायक, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो तू इस तरह धीरे धीरे काम कर रही है? देख, अगर थोड़ी देर में तूने सारा काम खत्म नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेम साहब, इस समय मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर थोड़ी तो रहम करिए। तू गर्भवती है तो मैं क्या करूँ, पैसे तो तू पूरी लेती है ना, इसीलिए तुझे काम भी पूरा करना पड़ेगा। देख, अब अगर तूने जरा भी नखरे दिखाए तो मैं तेरी डंडे से पिटाई कर दूंगी। इस तरह राधा को धमकी देकर वो औरत वहां से चली जाती है। बेचारी राधा अपनी खराब किस्मत पर दुखी होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ कमलकांत को राधा की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो सिर्फ अपनी शराब की लत पूरी करने से मतलब था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राधा अपना काम खत्म करके लौट रही थी, तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक घायल कुत्ता दिखाई देता है। उस कुत्ते के शरीर से बहुत खून बह रहा था और साथ ही दो चील कुत्ते के शरीर को नोच रहे थे। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कुत्ते की हालत पर राधा को बहुत तरस आता है। उसके बाद वो एक लकड़ी उठाकर उन दोनों चीलों को डराकर वहां से भगा देती है। ये बेचारा कुत्ता तो बहुत ही बुरी तरह घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर राधा कुत्ते को उठाकर जानवरों के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर कुत्ते की मलहम पट्टी कर देता है। इस कुत्ते की मरहम पट्टी तो हो गई, लेकिन इसे मैं इस तरह बाहर नहीं छोड़ सकती, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। फिर राधा कुत्ते को अपने घर ले जाकर उसे पालने लगती है। कुछ दिनों के बाद कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। गरीब होने के बावजूद भी तुमने मेरी देखभाल की और रोज मुझे पेट भर कर खाना खिलाया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी वहाँ कमलकांत आ जाता है। राधा जल्दी से मुझे पैसे दे, मुझे शराब खरीदना है। कल ही तो आप मुझसे सारे पैसे छीन कर ले गए थे, फिर आज मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आखिर तुम मुझ पर और कितना अत्याचार करोगे? अरे मुझ पर ना सही, कम से कम मेरे होने वाले बच्चे पर तो दया करो। फिर काफी देर राधा की पिटाई करने के बाद कमलकांत बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर चला जाता है। सच में बहन, तुम्हारा पति बहुत ही जालिम है। मैं सालों से इस आदमी के जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ, पता नहीं मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। देखो, पास वाले जंगल में दुर्गा माँ का एक मंदिर है, उस मंदिर में पूजा करने से सारी मुरादें पूरी हो जाती है। लेकिन उस मंदिर में नीले रंग के खास फूल चढ़ाए जाते हैं जो सामने वाली पहाड़ी पर मिलते हैं। तुम्हें 21 दिन तक रोज पहाड़ी से नीले फूल लाकर दुर्गा माँ के मंदिर में चढ़ाने होंगे, उसके बाद दुर्गा माँ खुश होकर तुम्हें वरदान देंगी। ये बात सुनकर राधा को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। फिर अगले दिन से राधा अपना काम खत्म करने के बाद रोज पहाड़ी से नीले फूल लाकर माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाना शुरू कर देती है। राधा को पहाड़ी पर चढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और पूरी श्रद्धा के साथ रोज फूल लाकर दुर्गा माँ की पूजा किया करती थी। फिर कुछ समय बाद नवरात्रि आ जाती है। राधा उपवास रखकर छोटी कन्याओं को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाती है। राधा ने कमलकांत की चोरी से कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, उन्हीं पैसों से राधा खाने का सामान खरीद कर ले आती है। और फिर थोड़ी देर के बाद राधा प्रसाद और खाना बनाकर तैयार कर लेती है।
लेकिन तभी वहाँ कमलकांत अपने शराबी दोस्तों के साथ आ जाता है। अरे भाई कमलकांत, आज भाभी ने तो बहुत सारे पकवान बनाए हैं। चलो सारा खाना उठाकर ले चलो, आज हम अपनी पार्टी में यही खाना खाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो, दुर्गा माँ की पूजा करके मैं ये खाना छोटी कन्याओं को खिलाने वाली हूँ। अपनी बकवास बंद कर, हमें तो सिर्फ खाने से मतलब है। चलो साथियों, सारा खाना उठाकर ले चलो। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कमलकांत और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कमलकांत राधा की पिटाई करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक रोशनी होती है और राधा के गर्भ से 9 कन्याएं बाहर निकल आती हैं। वे सभी दुर्गा माँ का रूप थी। उन्हें देख कमलकांत और उसके साथियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो सभी कन्याएं अपने हाथों से आग बरसाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कमलकांत और उसके साथी आग में जलने लग जाते हैं। हाय मर गया रे, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे इस आग को कोई बुझाओ। अरे अरे भागो यहाँ से, अरे भागो भागो भागो, से कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद कमलकांत के सारे साथी वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ कमलकांत दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। राधा मुझे मेरा सबक मिल गया है, दया करके मुझे बचा ले, वरना वरना मेरे प्राण छूट जाएंगे। अपने पति को तकलीफ में देख राधा से रहा नहीं जाता और वो अपने पति को बचाने के लिए दुर्गा माँ से विनती करने लगती है। फिर अगले ही पल कमलकांत के शरीर में लगी आग बुझ जाती है। उसके बाद वो दुर्गा रूपी 9 कन्याएं साधारण कन्याओं के रूप में बदल जाती हैं। तभी राधा के घर में दुर्गा माँ की मूर्ति से आवाज आती है। बेटी राधा, मैंने वरदान के तौर पर तुम्हें ये 9 बेटियां दी हैं। आज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा। तुम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जियो। तभी मूर्ति से ढेर सारे सोने के सिक्के राधा के सामने गिरने लगते हैं। बहुत सारे सोने के सिक्के मिलने से राधा बहुत अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ कमलकांत भी पूरी तरह सुधर जाता है। इस तरह दुर्गा माँ की कृपा से राधा का जीवन खुशियों से भर जाता है और वो अपने परिवार के साथ बिना किसी परेशानी के सुकून से रहने लगती है।